इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि जेई पॉइंट ऑफ व्यू से थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर जो आपके क्लास 11th केमिस्ट्री में है उसको कैसे पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स के अंदर क्या क्या चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, क्या क्या उनमें बताया गया है, किस चीज पे ध्यान देना है, कौन कौन सी बुक्स इस टॉपिक के लिए अच्छा है, पूरा इस एक वीडियो में कवरेज हो जाएगा। एंड तक देखिएगा, आपका पूरा थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक कैसे पढ़ना है पूरा क्लियर कर दूंगा मैं, ठीक है। तो भले ही आप इसको स्कूल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, जेई मेन, जेई एडवांस या और किसी इंजीनियरिंग एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, दिस वीडियो विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशंस ऑन करिए। मैं इस एग्जाम में टॉप भी कर चुका हूं, आई हैव मायसेल्फ स्टडीड इन आईआईटी बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, और यहाँ पे बहुत सारी जेई की गाइडेंस देता रहता हूं, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए टॉपिक्स इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग में आपको थोड़ी थ्योरी पढ़ाई जाती है, ओपन सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ये सब चीजें थोड़ी आपको बताई जाती है। कुछ डेफिनेशन वाला पार्ट इसमें रहता है, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट रहता है, वर्क क्या होता है, इनकी कुछ डेफिनेशन है, एंथैल्पी क्या होता है, इन सब की थोड़ी डेफिनेशन दी जाती है स्टार्टिंग में, ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रिकॉशन का पॉइंट जो मैं देना चाहूंगा सभी स्टूडेंट्स को कि ये सब चीजें ना आप बहुत पहली बार पढ़ रहे होगे लाइफ में, इस तरह की चीजें कि बहुत ही मैथमेटिकल थ्योरेटिकल बातें हम यहाँ पे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक सजेशन मैं दूंगा कि इन चीजों को ज्यादा ऐसे बहुत ज्यादा दिल पे नहीं लेना है, ठीक है। इस चैप्टर से सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें न्यूमेरिकल्स जो आते हैं वो है जो रिलेटिवली आसान है। आप अगर इसकी थ्योरी में उलझ जाएंगे, डेफिनेशंस में उलझ जाएंगे, और डब्ल्यू क्या होता है, और एंथैल्पी चेंज क्या होता है, और डेल्टा यू क्या होता है, इन सब में अगर आप उलझ गए तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये थ्योरेटिकल चीजें आपको धीरे धीरे समय के साथ अपने आप क्लियर हो जाएंगी, कोई ये बड़ी चीजें नहीं है, बस सिंबल अलग कर दिए गए, ठीक है। आप इसमें केवल न्यूमेरिकल्स पर ध्यान दीजिएगा जिसके बारे में आगे बात करेंगे। तो स्टार्टिंग में आपको ये जो डेफिनेशंस दी जाएंगी ये थोड़ी बहुत कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखती है। इंपॉर्टेंस क्या रखता है न्यूमेरिकल्स। तो जैसे आप जब वर्क पढ़ोगे तो आपको इसमें वर्क की कैलकुलेशन कराई जाएगी, क्या पी डॉट डीवी उसका इंटीग्रेशन करते हैं। अब वो भी डेफिनेशन देखने में तो बड़ी भयंकर लग रही, लेकिन कुछ नहीं है, ये P और V का मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें यूजली इतनी ज्यादा इन्वॉल्विंग कैलकुलेशन नहीं आएगी जेई में, क्योंकि न्यूमेरिकल इतने डिफिकल्ट नहीं पूछे जाते जेई एडवांस भी फिजिकल केमिस्ट्री से, राइट। तो इसलिए बहुत ज्यादा दिमाग खराब नहीं करना है, P डॉट dV क्या हो गया, ये कुछ नहीं करना है, प्रेशर वॉल्यूम को मल्टीप्लाई कर रहे इतना दिमाग में रखो बस, P डॉट dV वगैरह क्या होता है अपने आप धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल्स आपको थोड़े बहुत दिए गए स्पेशली एनसीईआरटी में आप देखिएगा, वो सब थोड़े देख लीजिएगा कि कैलकुलेशन कैसे करनी वर्क की, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वर्क का साइन केमिस्ट्री और फिजिक्स में अलग अलग माना जाता है, ठीक है। आप सेम चैप्टर फिजिक्स में भी पढ़ेंगे, थोड़ा डिफरेंट ट्रीटमेंट रहेगा वहां पे, ज्यादा नहीं थोड़ा सा डिफरेंट, लेकिन वहां पे वर्क की जो वैल्यू है आंसर सब में सेम आएगा, लेकिन जो नोटेशन है वो एक जगह प्लस का है एक जगह माइनस का है, वो थोड़ा सा ध्यान में रखना जब आपको आपके सर लोग पढ़ा रहे हो, थोड़ा ध्यान दीजिएगा उस चीज पर। ये सब तो ठीक है, डेफिनेशन ही होती रहेंगी। अब आएगा आपका फर्स्ट मेजर टॉपिक जो है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है कुछ भी नहीं, वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही एक तरह से आपको बता रहा है, तो उसको थोड़ा समझ लीजिए, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लीजिए। इसके न्यूमेरिकल्स बहुत आसान होते हैं, डिफिकल्टी कहां आती है बच्चों को, लोग W का साइन में कंफ्यूज हो जाते हैं कि किसको प्लस लेना है किसको माइनस लेना है। तो यहां पे आप थोड़ा सा ना दिमाग से सोचा करें, थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करें, ठीक है, कि भाई किसी सिस्टम से अगर एनर्जी बाहर जा रही है, ठीक है, तो यूजली वो सब्ट्रैक्ट होती है उसकी टोटल एनर्जी से, ठीक है। इस तरह की आप कॉमन सेंस से सोचिए, ठंडा गर्म के कॉन्सेप्ट से सोचिए कि जैसे चाय है, ठीक है, गर्म गर्म चाय, उसमें हमने बर्फ डाल दी तो क्या होगा, क्या होगा उसकी जो टोटल जो भी उसकी एनर्जी है उस सिस्टम की वो कम हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से चीजें सोच सकते हो आप बहुत ज्यादा, या जैसे कोई गैस है, ठीक है, उसके अंदर आपने एकदम से ऐसे वर्क किया, उसके ऊपर आपने प्रेशर लगाया, पिस्टन दबाया, तो क्या होगा, वो गर्म होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें सोच सकते हो, है ना। ज्यादा आप न्यूमेरिकल्स के चक्कर में अगर आप जाओगे ना तो आप हो सकता है कभी कभी प्लस माइनस की मिस्टेक करके कॉमन सेंस से बियॉन्ड चले जाओ, और फिर आप सोचे अरे अरे फॉर्मूला तो ये कह रहा है तो यही आंसर होना चाहिए, नहीं, शायद आपने फॉर्मूला गलत यूज किया। तो थोड़ा कॉमन सेंस और थोड़ा नोटेशन साथ में बैलेंस लेकर चलिए, कभी भी इसका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सिंपल ही है ये टॉपिक। इसमें लोग ना थ्योरी में उलझ के इसको डिफिकल्ट बना देते हैं, फिर आपका आता है हेस लॉ वगैरह आता है जो अगेन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको ना इस तरह का क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि आपको तीन चार रिएक्शन दी हुई है, उसमें आपको एक फाइनल रिएक्शन की डेल्टा एच पूछी जाएगी, तो कुछ नहीं करना है, उनको रीअरेंज करना है, एलजेब्रा की प्रॉब्लम है सिंपल सी। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन बहुत आते हैं इससे, अलग अलग एग्जाम सब में आते हैं, ओलंपियाड वगैरह सब में क्वेश्चन आते हैं स्लो के, और इजी भी होता है वो, ठीक है। लोग पता नहीं क्यों इसमें इतना उलझते रहते हैं, वन ऑफ द इजीएस्ट कॉन्सेप्ट्स एंड वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग कॉन्सेप्ट्स है। तो हेस लॉ में थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा,
फिर आता है इस चैप्टर का सेकंड पोर्शन जो है आपका एंट्रोपी वाला। तो अब यहाँ पे भी बहुत लोग फिलोसॉफी लगा देते हैं और लोग पता नहीं आइंस्टाइन बन जाते हो एंट्रोपी और यूनिवर्स, फालतू बातें मत करो भाई, एंट्रोपी की डेफिनेशन समझ जाओ, क्या होता है समझ जाओ, एक बेसिक ओवरव्यू ले लो कि भाई सामान जमा हुआ है एंट्रोपी कम है, सामान बिखर गया एंट्रोपी बढ़ गई, बस खत्म, इसमें इतना क्या सोचना। ठीक है, इसमें एक फॉर्मूला आता है डेल्टा जी को लेके, वो थोड़ा आप समझ लीजिएगा क्योंकि वो आगे भी आपका काम आएगा। ठीक है, तो बस ये डेफिनेशन ही आप याद कर लीजिए। ठीक है, न्यूमेरिकल कैसे करना है वो समझ लीजिए, थ्योरी समझ में आए या ना आए कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। लेकिन अगर पहली बार में इस सब में कुछ जी क्या होता है, जी क्या होता है, इन सब में अगर आप घुस गए, और ग्रेविटेशन में भी तो जी था, वो सेम है क्या, ऐसी फालतू चीजों में अगर आप घुस गए तो ये चैप्टर आपका तबाह हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें थोड़े बड़े लेवल पर समझ में आती हैं। अभी आपको केवल क्या क्या समझना है, न्यूमेरिकल डेफिनेशन, दैट्स इट। ठीक है, और कुछ भी नहीं समझना है आपको। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर के मैं कहूंगा, इसमें तीन चार जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आते हैं, एक तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेस्ड क्वेश्चन आ जाएगा कि एक सिस्टम है उस पर इतना वर्क किया, इतना उसका इंटरनल एनर्जी था, ये वो चेंज बताओ, ये वो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल होते हैं। थोड़ा बहुत नोटेशन का ध्यान रखना, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना कि भाई किसी सिस्टम में अगर हमने वर्क किया है तो क्या होना चाहिए, उसमें यूजली गर्मी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी कि उसमें आप कह सकते हो एनर्जी का फ्लो इन हुआ है। ठीक है, इस तरह की बेसिक कॉमन सेंस लगाइए, बस ये कह रहा हूं। हैस लॉ से दबा के सवाल आएंगे, ठीक है, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, कोई डिफिकल्टी नहीं, एलजेब्रा है ये। ठीक है, आप ये सब नहीं करते थे 2x + y = 6 और x - y = 1, तो बताओ x और y क्या है, यही हो रहा है बेसिकली और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा उस पर भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये चीजें थ्योरेटिकली थोड़ा समझ लीजिएगा, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, इससे सवाल ज्यादा नहीं आते चैप्टर, सबसे ज्यादा सवाल ये दोनों से ही मोस्टली आएंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स कौन कौन सी इस चैप्टर की, तो मैं यहाँ पे कहूंगा, देखो वैसे तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि सभी बच्चे अपनी कोचिंग की बुक पे स्टिक करें, क्योंकि यूजली कोचिंग की बुक जेई को ध्यान में रख के बनाई जाती है, लेकिन इस चैप्टर में क्या है, काफी अच्छी थ्योरी भी बन सकती है, और जेई एडवांस वालों को स्पेशली थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पूछना बड़ा पसंद है। तो यहाँ पे मैं दो बुक्स का सजेशन दूंगा, पहली बुक आप सभी को पता है कौन सी बुक का नाम लूंगा मैं, जो है आपकी एनसीईआरटी, लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन स्पेशली केमिस्ट्री की थ्योरी के लिए एनसीईआरटी इज वन ऑफ द बेस्ट बुक्स यू कैन रेफर। ओके, एक बुक आती है ब्रूस महान नाम करके, ठीक है, ब्रूस महान, ब्रूस वेन नहीं है ये, ब्रूस महान है। ये बुक बहुत ही थ्योरेटिकल टाइप्स की बुक है, ज्यादा हुई इसमें न्यूमेरिकल वगैरह इतने डिटेल में नहीं है, लेकिन ये फॉरेन ऑथर है बेसिकली, और इनकी ये यूनिवर्सिटी की बुक है, इस किताब का नाम भी शायद यूनिवर्सिटी केमिस्ट्री ऐसा कुछ नाम करके है बुक का नाम। तो इस बुक में ना थ्योरी बहुत अच्छी है फिजिकल केमिस्ट्री की, एटॉमिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है, थर्मोडायनेमिक्स भी बहुत अच्छे से उन्होंने दिया हुआ है। तो अगर आप में से कोई स्टूडेंट एक्स्ट्रा पढ़ना चाहता है तो ब्रूस महान बुक यूज कर सकता है। ठीक है, ये पूरी केमिस्ट्री के लिए काफी अच्छी बुक है। और अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें तो मोस्टली आपकी कोचिंग की शीट प्लस जेई के प्रीवियस ईयर सवाल के क्वेश्चंस मोस्टली इनफ होते हैं, लेकिन फिर भी इफ यू वांट मोर, तो एक बुक पी बहादुर एडवांस प्रॉब्लम्स इन फिजिकल केमिस्ट्री ऐसा नाम करके एक बुक आता था येलो कलर का, थोड़ा मोटी है वो बुक, 700-800 पेजेस की, उसमें केवल क्वेश्चंस होते हैं फिजिकल के, तो वो बुक मैं सॉल्व किया करता था, तो मुझे काफी अच्छी भी लगती थी वो बुक्स। ठीक है, और ये सारी बुक्स काफी ट्राइड एंड टेस्टेड है, बहुत सालों से चल रही है, सो यू विल एब्सोल्युटली लव इट। ठीक है, तो ये थी वीडियो, अगर आपको मुझसे पढ़ना भी है जेई के लिए, कि यार आपसे मुझसे समझ तो लिया आपको पढ़ना भी है, तो आप मेरे जेई के कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मेरी ऐप चलती है एकेड बूस्ट ऐप नाम करके, वेबसाइट भी है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप पे जा सकते हैं आप, वहां पे आपको फ्री नोट्स भी मिल जाते हैं हर चैप्टर के जेई के लिए, तो वो तो आप रख ही सकते हैं, और साथ ही में उसमें आपको हमारे कोर्सेज का भी ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो उसमें आपका 1 ईयर 2 ईयर सब तरह के कोर्स उसमें रहते हैं, आप अपना टारगेट ईयर सिलेक्ट कीजिए, उसके कोर्स में चाहिए, बहुत ही मिनिमल कॉस्ट है, मतलब जस्ट अ फ्यू थाउजेंड रुपीज में आपका पूरा जेई प्रेप, जिसमें आपके लेक्चर्स हो गए सारे डिटेल सारे चैप्टर्स के, ठीक है, आपके उसमें डीपीपीस हो गए प्रैक्टिस के लिए विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन, सब कुछ आपको मिल जाता है, वो सारा कवरेज आपका पर्सनली मैंने भी कराया हुआ है उसके अंदर, तो बहुत ही प्यारी चीज है वो, आपको बड़ा मजा आएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, दैट वाज द एंड ऑफ द वीडियो, इफ यू लाइक प्लीज लाइक सब्सक्राइब, थैंक यू।